सनमति सागर मोबाइल 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 5 मिनट में मोबाइल फाइनेंस सुविधा। मोबाइलों के थोक एवं फुटकर विक्रेता, पता हीरो शोरूम के पास, विश्व भारती रोड, भगवानगंज, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में एक दुखद सड़क हादसा सामने आया है, जहां डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3रा गंभीर घायल है, जिसका इलाज जारी है। यह सड़क हादसा सागर जिले के बंडा में बहरोल क्षेत्र के गांधी चौक से सामने आया है, जहां 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले उल्दन गांव के बताए जा रहे हैं, जबकि 3रे का इलाज बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इस सड़क हादसे में बाइक ने डंपर को सीधी टक्कर मारी है। सड़क हादसों में लगातार मौतों से यह बात तय होती है कि भारी वाहन डंपर ट्रक लापरवाही से सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अरे ये जो घटना हुई है कहाँ, कैसी हुई है? हुई है घटना अपनी कंजीत घटना पर हुई है ये घटना। हम लोगों को कॉल आया 108 में, उससे मैं डिलीवरी केस लेने जा रहा था, वहीं सामने हम लोगों को एक पेशेंट डले हुए मिले वहाँ कंडीशन में। तो एक 2-व्हीलर बाइक और बड़े वाहन की अज्ञात वाहन की कंडीशन कहाँ डले हुए वहाँ पर मिले हुए हैं। 2 पेशेंट ऑलरेडी वहाँ पर डेड है, 1 पेशेंट एक गैस्पिंग में, ये भी वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में। ये कुछ जानकारी लगी है कहाँ की कैसे है? ये पेशेंट है कनारी का है पेशेंट, उसका ऑलरेडी आधार कार्ड अभी देखा है सर ने, देख लिया। अगर विगत दिनों की बात करें तो ऐसे कई हादसे हुए हैं जहाँ बाइक सवारों को मौत मिली है। आज फिर एक बाइक जिसमें 3 लोग सवार थे, डंपर ने टक्कर मार दी और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कहने से वाहनों पर अब कार्रवाई जरूरी हो जाती है। तेज रफ्तार से भारी वाहन चलाने वालों पर अब कठोर नियम बनाना चाहिए। सड़क अब इन भारी वाहनों से भयभीत लगने लगी है। अतुल विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा।